नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं आपके साथ योगेश मिश्रा। शादी विश्वास पर टिका रिश्ता होता है, इसे निभाने के लिए इस बंधन में बंधे दोनों लोगों को हर दिन प्रयास करना पड़ता है। रिश्ते की जिम्मेदारी और परेशानी दोनों को साथ मिलकर निभानी होगी, लेकिन इस चीज को बहुत ही कम लोग समझ पाते हैं, जिससे नतीजा कुछ और ही होने लगता है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि आज के समय में पार्टनर को चीट करना बहुत ही आम हो गया है। अपने मजे के लिए, अपनी सुविधा के अनुसार लोग अपने पार्टनर के विश्वास को एक पल में तोड़ देते हैं, उसे उस रिश्ते में अकेला और जख्मी करके छोड़ देते हैं, जिसे निभाने की जिम्मेदारी उनकी भी है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर हम आपको ये बात यहां क्यों बता रहे हैं, तो वजह है, ऐसा वजह जिसे सुनने और देखने के बाद आपके भी होश उड़ जाएंगे। दरअसल ये मामला यूपी के कासगंज से है, जहां एक महिला डॉक्टर होटल के एक कमरे में अपने दो बॉयफ्रेंड के साथ पकड़ी गई। उसे पकड़ने वाला कोई और नहीं बल्कि उसका पति ही है। जब पति होटल का कमरा खुलवाने पहुंचा तो काफी देर तक दरवाजा नहीं खोला गया, जिसके बाद उसने कमरे के दरवाजे को तोड़ दिया। जैसे ही पति अंदर घुसा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई, जब उसने अपनी पत्नी को टॉयलेट के अंदर दो लोगों के साथ आपत्तिजनक हालत में देखा। फिर क्या था, पति का गुस्सा सातवें आसमान पर, जिसके बाद गुस्साए पति ने पत्नी और उसके प्रेमियों की पिटाई कर दी। सूचना पर मौके पर पुलिस पहुंच गई, जिसके बाद उसने सभी को गिरफ्तार कर लिया। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वीडियो में देखा जा सकता है कि पति होटल के कमरे में घुसकर अपनी पत्नी और दोनों पुरुषों से हाथापाई कर रहा है। इस दौरान होटल स्टाफ और अन्य लोग भी मौजूद थे। बताया भी जा रहा है कि डॉक्टर की पत्नी से विवाद चल रहा था। पत्नी और डॉक्टर दोनों पिछले एक साल से अलग रह रहे थे। डॉक्टर पति को शक था कि उसकी पत्नी का किसी से लव अफेयर चल रहा है। ऐसे में वह एक साल से रंगे हाथ पकड़ने के फिराक में था। इस बीच पीछा करते हुए वह उस दिन होटल पहुंच गया, जहां उसकी पत्नी रुकी हुई थी। बहरहाल आप क्या कुछ कहेंगे इस खबर पर, कमेंट करके जरूर बताएं। वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम।